गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन सोल। और देखिए कितनी एक खूबसूरत सी सुबह, और मेरे टेरेस गार्डन में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। देखिए एक छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, और इस वीडियो के एंड में मैं एक टिप शेयर करूँगी, गार्डनिंग टिप। तो देख पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप भी उसका बेनिफिट ले सकें। बुलबुल आ गई हैं, दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर देयर ब्रेकफास्ट। तो अभी मैं इनको रोटी डालूंगी। ये तो डेली विजिटर्स हैं मेरे गार्डन की, एंड आई होप दे लव माय गार्डन। देखिए जैसे मैंने बोला था कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको पौधे को स्ट्रेस देने की। आप देखिए अब मेरा ये बोगनविलिया कितनी सुंदर फ्लावरिंग है, बिकॉज खुश खुश सा प्लांट है, मैंने इसे कोई स्ट्रेस नहीं दिया है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर वैरायटी है। तो प्लांट्स हेल्दी और हैप्पी रहेंगे ना, तो वो फ्लावरिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये मेरा मंकी टेल कैक्टस, ये मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया है, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये जल्दी से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो। और ये है हमारा बनी ईयर कैक्टस, देखिए एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया अपने गार्डन का सुबह सुबह का। अब मैं आपको एक टिप शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने भी रखा है उसको यूज़ करने के लिए प्लांट्स में, तो मुझे ध्यान आया कि आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो जैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं दूध से या पनीर बनाते हैं, तो जो उसका लेफ्ट ओवर जो रहता है ना, उसको आप फेंकिए नहीं, उसको आप रख दीजिए। और थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़े से बड़े कंटेनर में रखिए, ताकि जब वो उसमें ना उफान टाइप से आ जाता है 3-4 दिन में, तो ऊपर से निकले नहीं, तो आप उसको रख दीजिए, ओपन में रख दीजिए। मतलब थोड़ा सा फाउल स्मेल करेगा तो आप छत पे रखिए, या मतलब ऐसी जगह रखिए घर में स्मेल नहीं आए। और जब वो 4-5 दिन में थोड़ा फर्मेंटेड हो जाएगा, तो उसको अच्छे से डाइल्यूट कर लीजिए, और अपने मतलब थोड़ा फ्रेश वाटर मिला के उसे डाइल्यूट करके डालिए, डायरेक्ट मत डालिए। कोई भी फर्टिलाइज़र आपको डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, थोड़ा डाइल्यूट करके ही डालें। और डाइल्यूट करके उसको अपने प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा सा सब में डाल दीजिए, किसी भी प्लांट में डालिए, लाइक करी पत्ता है, तुलसी है, आपके गुलाब हैं, मैं तो सभी में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो आज से आप उसको फेंकिएगा नहीं, यू कैन वेरी वेल यूज़ इन योर प्लांट्स। सो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।